राधिका आप्टे ने याद किया उस पल को जब शोर की टीम ने तुषार कपूर के साथ डेटिंग के बारे में फैलाई थी अफवाहें। जी हाँ, राधिका आप्टे ने कहा कि उनकी फिल्म शोर इन द सिटी का प्रचार करने वाले लोग उस समय उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में अफवाहों के लिए जिम्मेदार थे। राधिका ने राजनिधि मोरू और कृष्णा डीके द्वारा निर्देशित और तुषार की बहन एकता कपूर और माँ शोभा कपूर द्वारा निर्मित क्राइम ड्रामा फिल्म में तुषार कपूर की पत्नी की भूमिका निभाई। अप्रैल 2011 में फिल्म की रिलीज के समय कई रिपोर्ट सामने आई थी कि राधिका और तुषार डेट कर रहे हैं। एकता कपूर द्वारा कॉफी विद करण में राधिका और तुषार कपूर की उपस्थिति के दौरान राधिका के बारे में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेंट्स के बाद अफवाहों को बल मिला। एकता ने राधिका को हॉर्सी और सुंदर कहते हुए महिलाओं में अपने भाई के खराब स्वाद का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी केमिस्ट्री केवल स्क्रीन पर ही रहेगी। राधिका, जिन्होंने बाद में तुषार के साथ घनिष्ठ मित्र होने से भी इनकार किया, उन्होंने हाल ही में पुष्टि की है कि यह एक पब्लिसिटी थी। उन्होंने कहा, मैं कंटेम्प्रेरी डांस की स्टडीज करने के लिए लंदन गई थी। साइबो एक बड़ी हिट बन गई, इसलिए उन्होंने मुझे प्रमोशन के लिए वापस बुलाया। फिर उन्होंने केवल मेरे और तुषार के बारे में कुछ लिंकअप अफवाहें फैलाई। ये स्पष्ट रूप से सच नहीं था, मुझे नहीं पता था। मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि मैं गोवा में तुषार के साथ वैलेंटाइंस डे मना रही हूँ, लेकिन मैं लंदन में अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी। राधिका ने यह भी याद किया कि कैसे फिल्म ने उनकी लोकप्रियता और कई प्रस्ताव लाए, लेकिन वह इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, मैं फिल्म की सफलता को भुना नहीं सकी। मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म का प्रस्ताव मिला, मैंने इसे साइन किया। यह एक बहुत बड़ी फिल्म थी और यह बहुत अच्छी भूमिका थी। यह बहुत बड़ी हिट बन गई थी, लेकिन मुझे बैकपैकिंग ट्रिप पर जाना था। मैं 7 अगस्त को वापस आने वाली थी, शूटिंग 15 अक्टूबर से शुरू होनी थी। मैं वापस आई, मैंने 3-4 किलो वजन बढ़ाया था और मैं इसे खो देती। निर्देशक ने मुझे बताया कि मैं बहुत मोटी थी, उन्होंने मुझे फिल्म से बाहर कर दिया। राधिका ने पहले नेहा धूपिया के चैट शो में एकता कपूर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, जब ऐसा हुआ था मैं लंदन में डांस की पढ़ाई कर रही थी, मुझे अभी भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। इस खबर में तो बस इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।